ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज मनोज एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस एंड दिस चैप्टर इज हीट. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सम इंट्रोडक्शन अबाउट हीट. ठीक है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हमारे बुक्स में जितने भी चैप्टर हैं उसको किन किन ग्रुप में आप अलग अलग कर सकते हैं. इस विषय में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था. हम लोगों ने देखा था कि कुछ फिजिक्स में रखे जा सकते हैं, कुछ बायोलॉजी में रखे जा सकते हैं, कुछ केमिस्ट्री में रखे जा सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में रखने में आपको कंफ्यूजन होगी, जिसमें हम लोग वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन विंड साइक्लोन एंड स्टॉर्म सॉइल वाटर वेस्ट वाटर स्टोरेज ये सब चैप्टर हम लोगों ने डिसाइड किया था. उसी में एक कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि वेदर के क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं. तो वेदर के एलिमेंट हीट उसमें था, टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी था, रेन था, विंड स्पीड था, ये सब उसके आपने पढ़ लिया था हम लोगों ने पहले ही. अब कंडीशन है कि हीट कैसा होता है, क्या होता है. आपको पहले ही बताया कि जो एनवायरमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपसे अगर पूछा जाए सनलाइट कैसा होता है, हो सकता है आप उसको डिफाइन करने में अनेबल रहे. हीट कैसा होता है, कोल्ड कैसा होता है, कैसा फील करते हैं, कैसा होता है, आप कैसा बताएंगे. आप बताएंगे हीट को जो आपने फील किया उसका रिजल्ट बताएंगे, आप हीट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे. जैसे आपको आप किसी गर्म चीज को टच किया और आपका हाथ पक गया, तो आप उसके रिजल्ट क्या हुआ, हीट के टच में आपने आया तो उसका रिजल्ट हुआ कि आपका बॉडी पक गया, आपकी बॉडी टेम्परेचर से सेंसिटिव है, आपको डिस्टर्ब हो गया, आपको बर्न हो सकता है. तो आप बताएंगे कि ये हीट है, बट उसको डिफाइन नहीं करेंगे ना, कैसे करोगे आप उसको, क्या होता है वो हीट, कैसे कोल्ड होते हैं. ठीक है, तो ये रिलायबल चीज है, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या होता है, कैसे होता है. तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज हीट, क्या होता है हीट, है ना, हीट बताइए व्हाट इज हीट. तो पहला पॉइंट हम लोग हीट के डेफिनेशन की ओर चलते हैं. कहां डेफिनेशन की ओर चलते हैं, हीट क्या होगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. जब ये एनर्जी का फॉर्म हो तो क्या करेगा, इट मेक्स सब्सटेंसेज. ठीक है, क्या तो हॉटर. ठीक है, बहुत ऐसे डेफिनेशन आप देखेंगे कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे साउंड क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हम सुन सकते हैं. लाइट क्या है, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन एनेबल अस टू सी समथिंग. ठीक है, साउंड भी एनर्जी हो गया, लाइट भी एनर्जी हो गया, हीट भी एनर्जी हो गया, तो ये सब क्या है, एक एनर्जी के फॉर्म है. ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, इसको समझ लीजिए कि हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस, हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस. हम इसको देख नहीं सकते हीट को, अगर हम देखते तो गर्म चीजों को देख के ही बता देते कि अरे हीट है हट जाओ, दूर से हट जाते, हम उसको देख ही नहीं सकते हैं. पता चलता है कभी कभी उसमें टच कर गए, हाथ पैर जल गया, तब वहां से भागे, क्योंकि वो दिखा नहीं, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं. तो हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि वी कैन फील ओनली. ठीक है, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए अगर किसी में हीट ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, क्या है वो, इंक्रीज होगा. इफ एनी सब्सटेंसेज, इफ एनी सब्सटेंसेज हीट, क्या होगा, हीट होगा, इट टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर वो सब्सटेंसेस हीट होगा तो उसके टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएंगे. ठीक है, क्या टेम्परेचर होते हैं, देखिए जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए,
एग्जाम्पल ले लीजिए यूटेंसिल, है ना, बर्तन का एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर वो हीट है तो आप क्या देखते हैं, क्या होगा, ठीक है, वो अचानक अपना एक्टिविटी दिखाएगा, आपके बॉडी को क्या करेगा, बर्न करने की कोशिश, अगर उसमें टच कर गया तो बर्न करने की कोशिश करेगा, तो अगर वो हीट हो गया तो समझिए उसके टेम्परेचर बढ़ गए, है ना। उसको टच करके, उसको आप देखने के बाद थोड़ा सा दूर से भी आप अनुभव कर सकते हैं कि वो हीट है या कोल्ड, हॉट है या कोल्ड है, हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ सब्सटेंस ले लीजिए, टी इज हॉट, है ना, व्हाइल वेयर एज जूस इज कोल्ड। हम उसको सिर्फ टच करके उसको हम फीलिंग कर सकते हैं कि ये हीट है या कोल्ड है, ठीक है। आप और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, आयरन रॉड इज हीट या हॉट कहिए, लेकिन आयरन रॉड को आप हीट कहेंगे क्योंकि आयरन रॉड जब हीट होता है तो हमने हीट और हॉट, गर्मी की जो है कई वर्ड आपने देखा होगा, देखिए एक वर्ड है हीट, ठीक है, एक वर्ड है हॉट, एक वर्ड है वार्म, ठीक है, वार्म, एक वर्ड है हैच, ठीक है, एक वर्ड है ल्यूक वार्म, है ना, ल्यूक वार्म। तो ये सारे का मतलब होता है गर्मी, लेकिन सब का मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। जैसे हीट आप किसको कहेंगे, जब आप कोई लोहा ऐसा जैसे कपड़ा आयरन करने के समय आप जाते हैं और बोलते हैं कि ये हीट हो गया, आयरन हीट हो गया, हॉट नहीं बोलते, हीट हो गया, तो वो ऐसा हीट जो आपको डिस्टर्ब करे, टच करने के बाद सीवर इंजरी हो सकती है, लेकिन एक हॉट होता है, बोलते ना टी हॉट है, तो हॉट है तो हम पी रहे हैं, ऐसा हॉट है कि हम पी सकते हैं, है ना, सुटेबल है मेरे लिए। इन्वायरमेंट भी जाते हैं ना कि आज का कंडीशन बड़ी हॉट है, मतलब उसमें मैं सूट कर सकता हूँ। इसके बाद वार्म क्लॉथ जब भी आप पढ़ेंगे तो वार्म क्लॉथ, उलन कपड़े जो होते हैं वार्म होते हैं। हैच देखो, मुर्गी जो है अंडे पे बैठती है, उसको गर्मी देती है, उसी को हैचिंग कहते हैं। फिर ल्यूक वार्म, आप सुसुम पानी पीते हैं, ये ल्यूक वार्म वाटर कहलाता है, ठीक है, ये सब गर्मी का ही है। तो ये रॉड को हम हीट कहेंगे, क्या कहेंगे, हीट कहेंगे, क्योंकि हमारा ये सीवर इंजुरी हो सकता है, रॉड इज हीट, बट आइस इज कोल्ड। तो ये कुछ आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, हम टच करके उसको फील कर सकते हैं कि ये क्या था, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा हीट क्या होता है। हीट के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, और अगर हीट किसी चीज का बढ़ा हुआ है तो उसके टेम्परेचर इंक्रीज होंगे, और हम ये टच करके हम पता कर सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, हम लोगों ने इन टॉपिक पे देखा। लेकिन अब एक एग्जाम्पल देखिए, एक प्रैक्टिकल है एक्टिविटी देखिए कि हम हीट को पहचानेंगे कैसे, ठीक है, कैसे पहचान करते हैं उसको। तो सीधी सीधी बात है कि आपने दो पॉट आप ले लेंगे, क्या लेंगे, दो पॉट आप लेंगे, उस दोनों पॉट में आप वाटर डालेंगे। आपने ये पॉट लिया और दोनों पॉट में आपने वाटर डाला, ठीक है, वाटर डाला। अब इसमें आप हैंड जो है, हैंड आप डीप करेंगे, दोबारा से देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन हीट है कौन कोल्ड है, ठीक है, कौन गर्म है कौन ठंडा है। तो ये हीट, हॉट एंड कोल्ड का एहसास हमारे टच करने से ही पता चलता है, ये हॉट हो सकता है ये कोल्ड हो सकता है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे कि समटाइम्स आवर सेंस, लिखेंगे समटाइम्स आवर सेंसेस, ठीक है, आर नॉट रिलायबल टू हॉट और कोल्ड, ठीक है, ये रिलायबल नहीं होता है, नहीं पहचान पा रहा है कि ये हॉट है कि कोल्ड है, ठीक है। ऐसे स्थिति में हम ये एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं, तो इफ अगर इसके अगर टेम्परेचर ज्यादा है, इफ टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंसेज
ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोर, ठीक है, इट फील बाय आवर सेंस ऑर्गेन। अगर इसके टेम्परेचर ज्यादा हुए तो हमारा सेंस ऑर्गेन इसको फील कर सकता है, हमारा सेंस ऑर्गेन बता सकता है कि ये हॉट है कि कोल्ड है, अदरवाइज हम वाटर को दूर से देख के नहीं बता सकते, ठीक है। हम इसमें बता सकते हैं अगर, उसके बाद देखिए, अगर किसी का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, ठीक है, क्या कहेंगे, हॉट ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, देखिए कहीं कहीं अगर टेम्प लिखा हुआ है इसका मतलब टेम्परेचर है, और ओबीजे लिखा हुआ है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर, बट कोल्ड ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट को लो टेम्परेचर हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा ले, इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, टेम्परेचर को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं एनवायरमेंट से, इसको समझना है। अब टेम्परेचर क्या है ना, टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर है ना, हमारे आसपास में जो चीज दिख रहा है ये टेम्परेचर कितना है, इस चीज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, टेम्परेचर को अगर मेजर करना, आप किसी के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना, आप क्या करते हैं, आप उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, एक स्पेशल डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है बताइए आप लोग, बुखार चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वो डिवाइस कहलाता है थर्मोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज थर्मोमीटर, तो टेम्परेचर आर यू मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस कहेंगे दिस इज कॉल्ड थर्मोमीटर, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया डेफिनेशन थर्मामीटर का। अब टेम्परेचर, कोई भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए दो चीज चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं पांच, क्या पांच किलोमीटर, किलो मीटर, क्या पांच बोलने से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हमको एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए मतलब नंबर चाहिए, और दूसरा हमको ऐसा यूनिट चाहिए, मतलब उसके नंबर के बाद आप क्या देखते होंगे, पांच रुपीज, है ना, लाइक रुपीज का सिंबल अब पहले लगते हैं, पहले बाद में लगते थे, पांच किलोमीटर, पांच सेंटीमीटर, पांच मीटर, है ना, पांच लीटर, ये हुआ इसका ऐसा यूनिट। तो टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड, टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ऐसे डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग का, और नेक्स्ट नहीं सॉरी, ये थर्मामीटर के डिटेल्स हमको क्या करना है, थर्मोमीटर जो है इसका डिटेल्स हमको, थर्मोमीटर के डिटेल्स हमको पढ़ने हैं, पता है थर्मोमीटर एक होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं, इस पर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इतना आप इसको पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए, बस दो ही पेज का मैं डिस्कस कर रहा हूं चैप्टर 4 का, इतना आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया कि हीट क्या होता है, हीट को हम देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, है ना, हमारा बॉडी कैसे हीट को फील करेगा, इसके लिए एक्टिविटी को हम लोगों ने देखा,
फीड टेम्परेचर को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इसको हमने देखा। आज इतने ही पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है। अगर इसमें आप एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर कोई डाउट बचता है, आप ग्रुप में मैसेज सेंड करते हैं, आप अपना डाउट क्लियर करते हैं। आज से है ना, आप ऐसा करिए, कई बार ग्रुप में स्टूडेंट्स मैसेज नहीं डाल रहे हैं, आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके या किसी भी तरह के क्वेरी हो, कोई भी जानकारी, कोई भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक आपको लगे कि मुझे पूछना है, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके यहाँ से दे दूंगा। 9430977544, ठीक है, इस पर भी आपको मैं सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए चैप्टर 4 में हीट के लिए हम इतना ही सीखेंगे, इसके बाद हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे। ओके।